गाइस टुडे आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दिस हाउस। आपको लगता होगा कि 10 मरले का घर है, लेकिन ये 10 मरले का घर नहीं है। एलिवेशन इसकी 10 मरला घर से भी 1 फुट ज्यादा है। ये असल में मरला का घर है। कैसे, आपको समझाता हूँ। 10 मरला के घर में आपको 35 फुट का फ्रंट मिलता है और 65 फुट की आपकी डेप्थ होती है। इस घर के अंदर आपको 36 फुट का फ्रंट मिलता है और इसकी जो डेप्थ है वो 38 फुट के, यानी तकरीबन एक स्क्वेयर का प्लॉट बनता है जिसमें आप डिजाइनिंग आउट क्लास करवा सकते हैं। अब ये इसका साइज कितना है, इसका साइज 9 मरला भी नहीं है, 8 मरला भी नहीं है, 7 मरला भी नहीं है, बल्कि 6 मरला। 6 मरला के प्लॉट के अंदर आपको 10 मरला से बड़ी एलिवेशन बना के दिखा रहे हैं। इस एलिवेशन को बड़ा करने के लिए हमें दो प्लॉट्स को मर्ज करना पड़ा है 3-3 मरला के। ये इसके पीछे की साइंस है। बाकी ये अंदर से कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या सेटिंग्स हो सकती हैं, इसमें किस किस तरह की आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं, और 10 मरला और 6 मरला के घर में डिफरेंस कितना है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी इसकी फिनिशिंग कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इसके जो एलिवेशन की वजह से और इसकी क्वालिटीज की वजह से मेरे से वेट नहीं हो रहा था कि मैं आपको दिखा सकूँ। इस घर में गेट से अंदर एंटर होते ही आपको एक अच्छा खासा बड़ा कार पोर्च मिलता है जिसमें एक बड़ी गाड़ी आप आराम से खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एंट्रेंस के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको एक बेडरूम मिलता है। उसके बाद भाभी के काम की चीज़ यहाँ पे आपको किचन मिलता है, जहाँ पे आलू के पराठे बनेंगे और आलू के पराठे बनने के बाद आपको लिविंग रूम में सर्व किए जाएंगे। तो इसके साथ ही आपको यहाँ पे लिविंग रूम, टीवी लाउंज मिलता है और यहाँ पे आपको बेडरूम मिलता है। बड़े बुजुर्ग भी होंगे घर में तो उनके लिए यहाँ पे बेडरूम है, क्योंकि वो बार बार स्टेयर्स ऊपर नीचे नहीं जा सकते। इस बेडरूम में आपको अटैच बाथरूम मिलता है जो कि बहुत ही स्पेशियस है, जिसमें जकूजी भी आ सकती है। 6 मरला के घर के अंदर आप सोच रहे होंगे कि कैसे जकूजी आएगी। थोड़ा सा ये मैसी है क्योंकि अभी इसकी फिनिशिंग कम्प्लीट नहीं हुई, लेकिन इसकी जो एलिवेशन की वजह से और इसकी क्वालिटीज की वजह से मेरे से वेट नहीं हो रहा था कि मैं आपको दिखा सकूं। इस बेडरूम की बिल्कुल बैक साइड पे आपको ओपन एरिया मिलता है, जैसे 10 मरला के घर में आपको ओपन एरिया मिलता है। यहाँ पे लॉन्ड्री वगैरह भी आप कर सकते हैं। इस ओपन एरिया के बाद आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी बेडरूम्स वगैरह वो आपको दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद आपको बिल्कुल सामने दो बेडरूम्स मिलते हैं। दोनों बेडरूम्स में अटैच बाथरूम्स हैं। लेफ्ट वाले में चलते हैं, यहाँ पे आपको बैक साइड का व्यू भी मिलता है बड़ा अच्छा। उसके बाद आपको अटैच वॉशरूम मिलता है, बड़ा स्पेशियस वॉशरूम है। वॉशरूम में यहाँ पे आपको वो ये फील नहीं आएगा कि यार जगह की कमी की वजह से छोटा वॉशरूम बनाया, बड़ा स्पेशियस वॉशरूम है दोनों साइड पे ऐसा है। इस बेडरूम के साथ भी अटैच बहुत बाथरूम है और ये वाला वॉशरूम पहले वाले वॉशरूम से भी थोड़ा बड़ा दिखता है। इन दोनों बेडरूम्स के बाद हम जाते हैं स्टडी रूम की तरफ। गाइस 6 मरला के घर में आपको क्या क्या चाहिए, स्टडी रूम भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। स्टडी रूम इसके बिल्कुल सामने बड़ा अच्छा व्यू भी आपको मिलता है। यहाँ पे आपको कबर्ड्स के लिए जगह मिलती है। दो बेडरूम्स, एक स्टडी रूम, उसके बाद आपको फिर से ये स्पेस मिलती है जिसको आप बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी और चीज में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपका रूफ टॉप दिखाता हूँ। रूफ टॉप की तरफ चलते हैं। तो ये हमें एक स्पेशियस सा रूफ टॉप मिलता है जिसमें आपको ओवरहेड वाटर टैंक के लिए जगह भी मिलती है। उसके बाद एक स्पेशियस सी दोनों साइड पे आपको स्पेस मिलती है जहां पे इवनिंग में आप बैठ के एक चेयर्स का सेटअप बना के चाय को एंजॉय कर सकते हैं। एक साइड पे आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। तो ये रूफ टॉप भी इसका बड़ा स्पेशियस है जिसको आप तरह तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 6 मरला घर का टूर ख़त्म होता है। इसकी फिनिशिंग के बाद एक दोबारा मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। बताना इसमें यह था कि 10 मरला और 6 मरला में सिर्फ एक बेडरूम का फ़र्क है। इसकी डिज़ाइनिंग हमने इस तरह से की है कि ये अंदर से भी आपको 10 मरला घर जितना ही स्पेशियस नज़र आए, लेकिन प्राइस डिफरेंस तकरीबन 1 करोड़ रुपये का। जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 10 मरला घर की कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये है, लेकिन ये घर आपको 1 करोड़ 35 में मिलेगा।
1,35,00,000 में, यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा का डिफरेंस है। तो अमेनिटीज तकरीबन सेम है। अगर आप इस तरह का घर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं हमसे रब्ता करें, अगर आपको कंस्ट्रक्टेड घर चाहिए तब भी हमसे रब्ता करें, हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए 24/7 हाजिर हैं।